मैं राजन सिंह 24 आवर्स इंडिया न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही नाजुक मुद्दे पे जिस पे कि हम पब्लिक में बात करने से हमेशा कतराते हैं और वो है मुसलमानों के नाम पे राजनीति, जिसके बारे में कोई राजनेता बोलता तो नहीं है लेकिन हाँ फायदा उठाने की जरूर कोशिश करता है, चाहे वो गांधी हो या ओवैसी। आप सोच रहे होंगे कि मैं बीजेपी का नाम क्यों नहीं लिया। अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये समझ लूं कि बीजेपी मुसलमानों के लिए काम नहीं करती तो एटलीस्ट वो मुसलमानों के नाम पे वोट बैंकिंग की राजनीति भी नहीं करती। अभी दारा शिकोह को लेकर चर्चा हो रही है अच्छे और बुरे मुसलमानों के बारे में। इससे पहले उत्तराखंड में मुस्लिम कर्मचारियों को नमाज के लिए स्पेशल छुट्टी देने की घोषणा हुई थी, बाकी सारे लोगों ने पूछना स्टार्ट कर दिया बाकी धर्मों से भेदभाव क्यों, क्या बाकी की पूजा महत्वपूर्ण नहीं होती, मुस्लिमों के साथ स्पेशल व्यवहार क्यों, तो लोग कहने लगे मुस्लिम तुष्टिकरण बहुत दिनों से चली आ रही है। इसके बाद डिमोनेटाइजेशन के दौर में ओवैसी का बयान आया कि मुस्लिम इलाके के एटीएम में पैसे नहीं डाले जा रहे हैं, तो फिर किसी ने पूछ बैठा कि आप हज सब्सिडी के बारे में क्यों नहीं बात करते। इसके साथ साथ बहुत दिनों से ये भी चल रहा है कि ट्रिपल तलाक खत्म हो, क्योंकि इससे मुस्लिम समाज में कुव्यवस्था फैली हुई है। जाकिर नायक पे जब सरकार का डंडा पड़ा तो माना गया कि कड़ा डिसीजन है लेकिन कभी कभी लेना पड़ता है, लगा इसी से मुसलमानों की थोड़ी भलाई होगी। देश के कई राज्यों में चुनाव थे और उसमें उत्तर प्रदेश भी एक था। मायावती कह रही थी कि मुसलमानों को भाजपा से बचाना होगा। समाजवादी की मुखिया मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि मुसलमान उनके साथ है, लेकिन शायद वो भूल गए थे अखिलेश के ही राज्य में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे और पूरा समाजवादी पार्टी और उनके परिवार सैफई महोत्सव मना रहे थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि मुसलमानों के हर बात में इस्लाम का ही जिक्र होता है, हर चीज धर्म के नजरिए से ही देखी जाती है। चलिए बात करते हैं कुछ आंकड़ों की। 30 जनवरी 2006 को 403 पन्नों की एक रिपोर्ट आई थी सच्चर कमेटी की, पार्लियामेंट में रखी गई मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक और शिक्षात्मक शर्तों पे। कमेटी के चीफ थे दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर। 2 साल में रिपोर्ट तैयार हुई। रिपोर्ट में पता चला कि मुसलमानों की स्थिति शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से भी नीचे है। किसी कम्युनिटी की स्थिति नापने का एक और तरीका है उस समुदाय से आईएएस और आईपीएस कितने आते हैं। इससे सामान्य सशक्तिकरण, जिसे कि जनरल एम्पावरमेंट भी कहते हैं, उसका पता चलता है। सच्चर कमेटी के मुताबिक आईएएस और आईपीएस में 3-4% मुस्लिम थे। 1 जनवरी 2016 के होम मिनिस्ट्री के जानकारी के मुताबिक अब ये 3.32 और 3.19 है। ये भी पता चला है कि आईपीएस की संख्या में भी कमी आई है क्योंकि मुस्लिम प्रमोटिव ऑफिसर कम आए हैं। सच्चर रिपोर्ट में ये 7.1% थी जो अब 3.82% है। आलम ये है कि 100 आईएएस और आईपीएस में मात्र 3 मुस्लिम ऑफिसर हैं। अगर सरकारी डाटा का विश्लेषण किया जाए तो पता चलेगा कि अभी भी स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं आई है। कुछ चीजों में तो स्थिति पहले से भी खराब हो गई है, जैसे कि 2005 में भारतीय पुलिस में मुसलमानों की परसेंटेज 7.63 थे जो 2013 में घटकर 6.27 हो गए। हालांकि 2013 के बाद धर्म के आधार पर जानकारी सरकार ने बनाना बंद कर दिया। कई बार पुलिस पे ये भी आरोप लगी है कि दंगे के वक्त धार्मिक भावना जाग उठती है और मुस्लिमों की संख्या कम होने के कारण पुलिस धर्मनिरपेक्ष नहीं रह जाती। अगर एवरेज मंथली पर कैपिटल इनकम देखे तो 2006 से लेके अब तक मुस्लिमों का ही कम रहा है, किसी भी समुदाय से कम। तो जब सरकारी आंकड़ा ही कह रहे हो तो ऐसे में नेताओं की बातें बिल्कुल नहीं सुहाती। आज अगर लोग किसी तरह की सुधार की बात करते हैं तो वो धर्म पे ही जाके रुकता है। जब लोग समाज पे आक्रमण कर रहे हैं वो भी धर्म को लेके ही हो रहा है। मतलब मुसलमानों को जब भी देखो एक धर्म के चश्मे से ही। लोग एक आम इंसान के तौर पे इन्हें क्यों नहीं देख पा रहे हैं, ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि वो भी एक मनुष्य हैं जो कि
हड्डी और मांस से बने हुए हैं, उनको भी खाना, रोजगार और पढ़ाई की जरूरत है। ऐसा तो नहीं है कि हर मुसलमान बिना रोजगार के सिर्फ हज जाने की ही बात सोच रहा है। फिर भी एक माहौल तैयार किया जाता है, इतनी नकारात्मकता नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कि मुसलमान खुद से अपने धर्म के बारे में बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जब बोलते हैं तो हम लोग सब एक साथ मिलकर कहते हैं देखो वो बोल रहा है। हमेशा मदरसों पे अटैक किया जाता है, कहा जाता है ये लोग धर्मांधता फैला रही है, पर मैं ये नहीं समझ पाया हूँ कि ये गरीब तबका यहाँ भी ना जाए तो कहाँ जाए। ये समाज की विफलता है, जो पहले से ही फंसा हुआ है उसी पे उंगली उठाई जाए ताकि वो अपनी खोल में जाके छुप जाए। बेहतर तो यही होगा कि सरकारें खुद से बोलना शुरू कर दे, जनता कुछ बोले ये बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि पिछड़ा समाज डिबेट नहीं कर सकता। नेताओं का दीदा तो इतना है कि वो कहने लगते हैं अगर केंद्र में गांधी होते तो बाबरी मस्जिद आज तक गिरी नहीं होती। क्या देश एक खानदान से एक व्यक्ति से चलता है? यूपीए सरकार सच्चे रिपोर्ट के आने के बाद 8 साल तक सत्ता में रही, लेकिन बयानबाजी के अलावा उन्होंने किया ही क्या? जब इसका हिसाब उनको लगा तो फिर वायदे करना शुरू कर दिए। भाजपा की सरकार पे ये आरोप लगाने लग गए कि ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रहे हैं, पर इसमें भी वो जब मुद्दा उठाए तो वो भी धर्म के नाम पे ही था। हम आज तक ये समझ नहीं पाए हैं क्यों हम इन नेताओं के झांसे में आ जाते हैं और इंसानियत को भूल के धर्म की बातें करने लग जाते हैं। क्यों हम ये समझ नहीं पाते हैं कि एक सरकार जो कि पिछले 60 साल तक सत्ता में रह के मुसलमानों की भलाई के बारे में बात की, लेकिन हकीकत में उनकी स्थिति बद से बदतर होती गई। फिर भी हम उनके झांसे और वोट बैंक पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाते हैं और उनको हम अपना राजनेता चुन बैठते हैं। हमारा आपसे ये आग्रह है, आपसे निवेदन है कि नेताओं को धर्म या जाति के अनुसार ना तो चुने और ना ही वोट दे, एक सही राजनेता को चुनकर एक नए भारत का निर्माण करें। इस वीडियो को आप इतना शेयर करें कि ये सभी आम लोगों के बीच पहुंचे और जाति या धर्म के नाम पे जो वोट बैंकिंग पॉलिटिक्स, वोट बैंकिंग राजनीति हो रही है वो सारे लोग समझ सके। और हाँ, हमारे चैनल 24 आवर्स इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। अगले संडे को हम आपके पास फिर से आएंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।